निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद से प्रत्याशियों ने प्रचार में अपना अपना प्रचार जो है वो शुरू कर दिया है। प्रचार के लिए पोस्टर की ऐसी बौछार हुई है कि गोहाना में ना सिर्फ चौक चौराहे बल्कि ऑटो रिक्शा भी पोस्टर से पटे हुए हैं। गोहाना के ये हाल तब है जब चुनाव अधिकारी की तरफ से होर्डिंग कहां कहां लगाए जाने हैं इसके लिए कोई भी शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। ऐसे में होर्डिंग लगाना अवैध है। प्रशासन ऐसे होर्डिंग पर कार्रवाई कर रहा है, उन्हें जल्द से जल्द उतारा जा रहा है। वहीं अधिकारियों ने प्रत्याशियों से प्रचार के लिए डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल करने की अपील की है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जीतने वाले किसी भी प्रत्याशी के पास शहर को साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी होगी। ऐसे में चुनाव के लिए शहर की खूबसूरती से समझौता करने वालों के लिए जनता क्या फैसला लेगी ये देखना होगा। देखिए, जब से आचार संहिता लगी है लगातार नगर परिषद की टीम जो होर्डिंग बैनर्स अवैध लगे हुए हैं साइटों पे वो उतार रही है, और लगभग हर साइट आज सुबह भी मैंने विजिट की है, तब तक मेन रोड की थी, तो लगभग कहीं पर भी मुझे जो है अवैध होर्डिंग बैनर ये सब नहीं दिखाई दिए। आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में आया कि मुगलपुरा रोड पर उस साइड है, तो वहाँ टीम को मैसेज कर दिया है, वो तुरंत वहाँ पहुँच रही है और वहाँ से सारे अवैध होर्डिंग बैनर जो भी है वो उतार दिए जाएंगे और उनकी फ़ोटो भी शेयर की जाएगी ग्रुप में। अवैध होर्डिंग बैनर का है कि वो भी जो रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा जो साइट अलाउ की जाएगी केवल वहीं अपना जो प्रचार करें, और ज़्यादातर संभव हो तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ही प्रचार करें।